हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक मेरे पास में मोबाइल आया है टेक्नो स्पार्क गो, इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, चार्जिंग प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, आप लोग देखते रहिए। देखिए दोस्तों, चार्ज को इन कर रहे हैं, नहीं शो कर रहा है दोस्तों। देखिए, शो नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यही चार्जर दूसरा मोबाइल में शो कर रहा है, आप लोग देखते रहिए, वो भी दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कनेक्ट हो गया, क्योंकि दिखाना पड़ता है दोस्तों आप लोग को भी, तभी आप लोग विश्वास कीजिएगा कि हाँ क्या है नहीं है। देखिए, यही केबल से फिर इस मोबाइल को देखिए नहीं ले रहा है चार्ज दोस्तों। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके बेल आइकन को दबा कर में सेट कर दीजिएगा दोस्तों, खास करके नए दोस्तों को बोल रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मोबाइल को ओपन कर रहे हैं दोस्तों, स्क्रू को देखते रहिए, स्क्रू खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चार्ज ले रहा है, क्योंकि आप लोगों को दिखा चुके हैं दोस्तों दूसरी मोबाइल वही चार्जर केबल से ले रहा है, पर ये नहीं ले रहा है दोस्तों। तो मोबाइल ओपन कर रहे हैं, इस ग्रुप को खोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है आप लोग के सामने काम होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को भी जानकारी होना चाहिए दोस्तों। आप लोग के साथ साथ में हम भी काम कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं, और आप लोग भी देखिए। देखिए दोस्तों, मोबाइल को खोल लिए दोस्तों, बाहर निकाल लेते हैं इसको, चार्जिंग वाला बोर्ड को। देखिए दोस्तों, ये मोटर है, कंप्रेसर मोटर को भी थोड़ा आयरन की मदद से निकाल लेते हैं इसको, देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं ले रहा है। सबसे पहले दोस्तों एक बार रिसोल्ड करके देखते हैं दोस्तों चार्जिंग जैक को, और इसको क्लिंग कर लेते हैं दोस्तों। रिसोल्ड कर दिए, फिर से एक बार रिसोल्ड करते हैं दोस्तों, तो सही ढंग से होना चाहिए, प्रॉपर रिसोल्ड होना चाहिए, और क्लिंग कर लीजिए दोस्तों। अगर इसमें नहीं होगा तो फिर देखते हैं दोस्तों, सेटअप बाय सेटअप से चेक करेंगे, क्योंकि सही ढंग से इसको बैठा लीजिए। ऐसे जग ठीक दिख रहा है दोस्तों, जग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पहला काम जो है वो आप लोग भी इसी तरह कर लीजिए, पहला काम को कर लीजिए, उसके बाद में नहीं होगा तो फिर सेटअप बाय सेटअप देख के काम करते हैं। कभी कभार क्या है कि दोस्तों, कस्टमर सब उल्टा सीधी पिन लगा के हिला डाल देते हैं, इसके कारण से भी नहीं लेता है, इसीलिए प्रॉपर इसको दोस्तों रिसोल्ड कर दिए आयरन की मदद से दोस्तों। और इसी तरह आप लोग एक बार कम से कम पहला कोशिश ऐसे ही कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं चार्जिंग जैक को चेंज कीजिए, ऐसा नहीं होता है। अगर अगला को चार्जिंग जैक ठीक है मोबाइल का, तो चार्जिंग जैक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम देखें तो चार्जिंग जैक तो बराबर ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिट करके देखते हैं क्या होता है दोस्तों, आप लोग भी देखते रहिए वीडियो को। फिट कर लेते हैं दोस्तों, देखो प्रॉपर बैठा दिए हैं, प्रॉपर रिसोल्ड कर दिए हैं, सही ढंग से रिसोल्ड किए हैं, और मोबाइल का चार्जिंग जैक बिल्कुल सही है, तो क्लीन कर लिए हैं और रिसोल्ड कर दिए हैं। एक बार इसको देखते हैं फिर फिट करके दोस्तों, क्योंकि चार्जिंग जैक सही है, अगर सही नहीं रहता तो रिप्लेस करते चेंज करते हैं, पर सही है दोस्तों। देखिए, कस्टमर बोल रहा था दोस्तों कि एक दो महीना हुआ है मोबाइल, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, इतना जल्दी तो चार्जिंग जैक ख़राब नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, चार्जिंग कनेक्ट करके देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, चार्ज शो करने लगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप लोग भी कीजिएगा, देखिए 75%
कस्टमर का चार्ज मोबाइल में था दोस्तों, देखिए मोबाइल में 75% चार्ज है और चार्जिंग तो करने लगा और चार्जिंग भी लेने लगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग भी काम कीजिए, पहला काम जो है जैसे हम किए पहला काम उसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मोबाइल को ऑन करके भी देखते हैं, कोई ऐसा बहुत सा मोबाइल ऐसा है कि वो ऑफ में शो कर रहा है पर ऑन में शो नहीं करता है, क्योंकि D-D+ का प्रॉब्लम होता है कभी कभार, नहीं होने से भी नहीं लेता है। देखिए दोस्तों ले लिया, समझिए कि अब ले लिया, शो कर दिया, ऑन में भी शो कर दिया, कहने का मतलब चार्जिंग लेने लगा दोस्तों। देखिए यहाँ भी कनेक्ट कर रहा है दोस्तों, हाँ ऐसा ही कीजिएगा आप लोग भी, ऑन करके देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऑफ में भी लगा के दे दीजिए कस्टमर, पैसा नहीं, एक बार ऑन करके भी देख लीजिए दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा कर मैसेज कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।